संगीता की मैं ये पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी कम सांसदों के साथ जीतकर भी जिस जोश और जिस अग्रेशन में दिख रहे हैं, क्या उन्होंने सरकार के लिए आज कुछ बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? क्या वो मुद्दे जिन पर वो सरकार को घेर रहे हैं, अब आने वाले दिनों में सरकार को उस पर जवाब देना पड़ेगा? संगीत जी आवाज आ रही है आप तक? संगीत जी आप तक आवाज आ रही है? को आवाज मेरी मिल रही है? हाँ मिल रही है, बोलिए। अब मिली? हाँ आवाज मिल रही है मेरी। देखिए राहुल गांधी किस भाषा का प्रयोग करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी जितना बोलेंगे वो अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करेंगे, और यही आज हुआ भी। 90 मिनट में उन्होंने शालीनता और मर्यादा का आचरण नहीं किया, ये एक सच्चाई है। और बेशक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को ये लगता होगा, उनको बचाना उनकी जिम्मेदारी बनती है, और जो सुशील राजपूत जी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी भी लोकसभा में विपक्ष के नेता का आचरण आप देख लें और उनके भाषण देख लें और राहुल गांधी के भाषण की तुलना और तेवर को देख लें, आपको लगेगा कि राहुल गांधी बहुत बौने साबित हो रहे हैं। नहीं तो आपको क्या गलत लगा उसमें? अच्छा क्या राहुल गांधी शिव की जो तस्वीर दिखाई वो गलत था? कांग्रेस पर 10 सेकंड, नानक जी की तस्वीर दिखाई वो गलत था, या अग्निवीर और नेट का मुद्दा उठाया वो गलत था? बिल्कुल सही। देखिए अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी ने जिस संविधान की बात की, संविधान से भगवान राम का दरबार किसने हटाया? जो संविधान की मूल प्रति थी उसमें तो भगवान राम के दरबार का चित्र था, कांग्रेस पार्टी ने हटा दिए। किसके कहने पर हटा दी? वामपंथियों और इस्लामिस्टों के कहने पर हटा दिया। वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता पढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी तस्वीर को किसने हटाया? कांग्रेस ने। पाप किया किसके कहने पर किया? वामपंथियों और इस्लामिस्टों के कहने पर किया। इसके बाद भगवान महावीर, भगवान जैन की तस्वीर थी, 16 ऐसी तस्वीरें थी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए थे, उनको किसके हटाया? इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। किसके कहने पर? वामपंथियों और मुसलमानों के दबाव पर। तो ये तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कि भारत के इतिहास की परंपरा कैसी है। उस परंपरा में से आज जब वो बात कर रहे थे घृणा घृणा, अरे हमारे तो सारे साथ भगवान जो है वो शस्त्र लिए होते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों का संतुलन आवश्यक है। शस्त्र और शास्त्र दोनों, इसलिए हमारे भगवान दोनों साथ रखते थे। जरूरी है कि जो दुष्ट हो उसको दंडित किया जाए। ऐसा नहीं है कि बंगाल से सारे हिंदुओं को मार करके भगा दिया जाए और सरतन से जुदा नारे लगाए जाए और हिंदू चुपचाप अपने मठों और मंदिरों में चुपचाप जाकर के बैठा रहे। वो जिसको दंड कह रहे हैं उसी को तो राहुल गांधी हिंसा कह रहे हैं। ये दोनों चीज ये नहीं चल सकती। राहुल गांधी डराने की बात कह रहे हैं? नहीं नहीं, राहुल गांधी से डरा रहे हैं? राहुल गांधी पीएफआई और सिमी के पास जाते हैं। राहुल गांधी का चरित्र देखिए क्या है, राजनीतिक चरित्र में बात कर रहा हूं। राहुल गांधी चुनाव कहां से लड़ने जाते हैं? वायनाड से लड़ने जाते हैं, जहां पर पीएफआई मजबूत है, जहां पर सिमी मजबूत है, जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मजबूत है, क्योंकि उनको बाकी जगह पर डर लग रहा था। ये और बात है कि उनको रायबरेली से भी सफलता मिल गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर रहे थे अकेले रायबरेली से लड़ने के लिए, वो पहले वायनाड में जाकर के अपने अच्छा, आपने 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 वायनाड का जिक्र कर दिया, सोनिया का वायनाड और रायबरेली का जिक्र कर दिया। सुनिए संगीत जी, आपने वायनाड और रायबरेली का जिक्र किया, राहुल गांधी ने आज अयोध्या का जिक्र किया, और सुरेंद्र राजपूत ने अभी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले के के शर्मा क्या कहा राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां पर सर्वेयर एजेंसी ने कहा कि मत लड़ो हार जाओगे, इसलिए फिर वो चले गए बनारस और किसी तरह वहां से बच गए। वो अयोध्या के नाम पर आपको अवधेश प्रसाद दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो ये अयोध्या के सांसद मेरे बगल में बैठे हैं। नहीं नहीं, अब मैं किसी तोताछाप भविष्यवक्ता पर क्या बोल सकता हूं? ये तोताछाप भविष्यवक्ता है, उनको पता है क्या? वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कि उनको पता था कि प्रधानमंत्री कहां से लड़ना चाहते हैं कहां से नहीं लड़ना चाहते हैं? ये तो क्या होता है, मैं इसीलिए कहा ना कि जब स्तरहीन व्यक्ति होता है तो अपने उसी स्तर की ही बात ये करता है। ये उनकी स्तरहीनता की पहचान है। उनके लड़ना था इतना जोश था, सवाल नहीं समझे आप मेरा? सवाल नहीं समझे के भाई, आप मेरा सवाल नहीं समझे? नहीं आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप हिंदू की बात करते हैं, जब आप सनातन की बात करते हैं, तब आपको वो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ दिखाते हैं कि देखो अयोध्या तुम हार गए। सुनिए,
मैं वो आपको अयोध्या दिखाते हैं कि देखो तुम अयोध्या हार गए, भगवान राम का जहां भव्य मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो तुम हार गए, वो आपको ये दिखाते हैं। नहीं ऐसा है, देखिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक अलग विषय है, वो आस्था का विषय है, 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का विषय है, तो वो विषय और राजनीतिक विषय ये अलग है। दूसरी बात, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत, किसी सीट से जीतना किसी सीट से हारना ये चलता रहता है, ये हर बार होता है। 70 साल के 18 लोकसभा हो गए, कई बार हम कई ऐसे प्रमुख सीट हारे हैं, कई प्रमुख सीटों को हमने जीत लिया है, तो इससे इसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है ओके। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि एक स्तर होती है ना सोच की, हाँ। वो उतना ही स्तर है। मैं इस पर जवाब देता हूं, आप अयोध्या को हिंदुत्व से मत जोड़ा करिए, बनारस तो हार हो जाती। तो ये मैं इसीलिए कहा कि ये क्या होता है कि एक स्तरहीन व्यक्ति जब होता है उसकी सोच का दायरा उतना होता है, तो उसकी सोच उसकी ओके जवाब जवाब उसकी जवाब 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 मेरे पास समय कम है। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए, सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। ओके सुरेंद्र राजपूत, 40 सेकंड है आपके पास। तीन चार पहली बात तो आदरणीय के शर्मा जी ने जवाब दे दिया संगीत रागी का, वायनाड का, जीत का हार का, कि भाई कोई किसी सीट से कभी जीतता कभी हारता, हम ज़्यादा उस पर नहीं बोलेंगे। संगीत रागी जी को हम सिर्फ इतना खाली कहना चाहते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का स्तर तो आपको दिख गया कि आप कह रहे हो कि गिर गया है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी से अटल बिहारी वाजपेयी जी तक और डॉक्टर नरेंद्र मोदी तक का, क्या नाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक का जो स्तर था प्रधानमंत्रियों का, वो नरेंद्र मोदी जी ने कितना गिराया है वो आपके दृष्टि दोष में आ गया है, आप इस चीज को समझिए। और एक चीज के शर्मा जी, हम बिल्कुल भविष्यवक्ता नहीं है, हम तो आपकी सर्वेयर एजेंसियों की बात बता रहे हैं, जिस अयोध्या के नाम पर आपने पूरे देश में चुनाव लड़ा, जिस प्रभु श्री राम को आप तो उंगली पकड़ करके मंदिर ले जाना चाहते थे, प्रभु श्री राम ने आपको राम नमन मन पद से बाहर कर दिया। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको कैसे पता था, लड़िए मत के शर्मा जी, नौकरी कर रहे थे, आप मुद्दे की बातें किया करो, की बातें कहां से लड़ने में आप बात कर रहे हैं, आप आया करो क्योंकि समय खत्म हो चुका है। थैंक यू।